डीके भारत न्यूज। इस समय में उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर विकास खंड चैतीपुर तहसील तिलहर, वहां एक ऐसा गांव है, उस गांव का एक होनहार बेटा जो मंडल स्तरीय, राज्य स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय कई जगह टूर्नामेंट क्रिकेट खेल चुका है, उसका क्षेत्र में नाम है। आज मैं उस बेटे से मिलने आया हूँ। सबसे पहले भैया जी, आपका क्या नाम है? माय नेम इज कुणाल सिंह। कुणाल सिंह जी, ये बताइए, मैंने आपके क्षेत्र में दूर दूर तक बहुत ही चर्चा सुने हैं और काफी अच्छा आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप सबसे पहले बताइए आपका शुरुआत कैसे हुई थी, क्रिकेट खेलने का जुनून कैसे आया था? जब से मैंने क्रिकेट को समझा तब से मेरे जुनून है। और आपके माता पिता का क्या नाम? मेरे पापा का नाम मिस्टर सचिन सिंह और मेरी मम्मी का नाम है मिसेज अर्चना सिंह। तो ये बताइए मुझे आप कि आप की जो दिनचर्या है वो क्या रहती है, कैसे एडजस्ट कर पाते हो क्रिकेट? पहले तो सबसे पहले सुबह उठ के अपना वर्कआउट करता हूँ, फिर अपनी डाइट लेता हूँ, फिर उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, स्कूल जाता हूँ, फिर स्कूल से लौट के थोड़ा बहुत रेस्ट करके अपने एकेडमी में जाके प्रैक्टिस करता हूँ। आपकी जो एकेडमी है उसका क्या नाम है, आपके सर का क्या नाम है? मेरे सर का नाम है अमित शर्मा और मेरी एकेडमी का नाम है शर्मा क्रिकेट एकेडमी बीआर पब्लिक स्कूल। तो मुझे ये बताइए आप कौन कौन से जो टूर्नामेंट खेल चुके हो, इसमें कौन कौन से एज में क्या क्या खेलना है, क्या क्या खेलना है? पहले यूपी में जितने टूर्नामेंट होते हैं अच्छे से अच्छे वो खेलता हूँ, और मैं अभी अंडर 14 की एज में हूँ और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा। और सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो आपके सर हैं अमित शर्मा जी, उन पे आप कितना भरोसा है आपको कि वो आपके लिए कितना ध्यान देते हैं, कितना आप पे उन पे भरोसा रखते हैं? मुझे सर पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे आगे तक खिलाएंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। सर आपको कैसा खिलाते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ? सर मुझे पूरा टाइम देते हैं प्रैक्टिस के टाइम और मैचेस भी खिलाते हैं अच्छे अच्छे। तो ये बताइए आपके जो घर वाले हैं, मम्मी पापा हैं, उनका क्या सपोर्ट रहता है? मेरे मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट रहता है, मुझे जो जो जरूरत होती है क्रिकेट के मामले में वो सब ला के देते हैं, और सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी दीदी करती है, मेरी बड़ी दीदी। अच्छा, जो आपके जो क्रिकेट में आपके मम्मी पापा घर वालों का सपोर्ट है, आप इस समय इतनी एज में कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जरा बताइए। अभी मैंने 8th पास आउट किया, अभी 9th में आया हूँ। 9th में, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना क्रिकेट, इतनी जगह क्रिकेट खेला है, तो आप भविष्य में आप कहाँ तक जाना चाह रहे हो? भविष्य में सब इंडियन, एक अपनी इंडियन टीम के लिए खेलना चाहता हूँ। और मेरा एक सवाल है आपसे कि आपका क्रिकेट में ही क्यों मन लगा, जैसे आर्मी है, इंजीनियर है, मेडिकल डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आप क्रिकेट में ही आपकी क्या रुचि? वो मेरा शुरू से सपना रहा, मुझे उसके अलावा अच्छा ना लगा, किसी में मन ही नहीं। अच्छा, ये बताइए आपको जो जुनून कब से चढ़ा था, कितनी उम्र से चढ़ा था, जब आप कौन से क्लास में आपको लगा? मैं कम से कम 3rd या 4th क्लास में था तब से खेलना पड़ा। तो आप भविष्य में और लोगों से अपने सर से क्या कहना चाह रहे हो? कि मुझे मेरे सर से यही कहना चाहूंगा कि मुझे सपोर्ट करें और अच्छा खिलाएं, और मैं आपके लिए दुआ देता हूं कि आप बहुत ही आगे जाएं। समय मेरे साथ कुणाल जी की सिस्टर मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। प्रिया सिंह। प्रिया सिंह जी, ये बताइए कि आपका जो भाई हैं जो क्रिकेट में खेलने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं हमेशा, इन्होंने मंडल स्तरीय, जिला स्तरीय और स्टेट स्तरीय मतलब खेला है क्रिकेट, तो आपका क्या सपोर्ट रहता है घर से? पूरा सपोर्ट रहता है, फैमिली का भी पूरा सपोर्ट है, मेरा तो सबसे ज्यादा रहता है। तो इनकी आप एक बार दिनचर्या बता दीजिए, घर पे क्या क्या करते हैं? करता है ज्यादातर क्रिकेट में ही, मतलब इसको प्रैक्टिस करना रहता है, स्कूल जाता है, उसके अलावा प्रैक्टिस है बस, बाकी कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।